नमस्कार दोस्तों, मैं शंभु कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बहुत ही दुखद खबर है, बुरी खबर है। पाकिस्तान से जो वीडियो आ रही है अभिनंदन की, उसे सोशल मीडिया पर लोग लगातार पुष्टि कर रहे हैं और खासे नाराज हैं लोग। जिस तरह से इस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है और जिस तरह से लोगों ने रिएक्ट करना शुरू किया है, अभिनंदन एयरफोर्स के पायलट हैं और सरकार जिस तरह से उन्हें मिसिंग बता रही है, वो चिंताजनक है। और लोग कैसे सोच रहे हैं वो मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, क्योंकि लगातार लोग इस पर बात कर रहे हैं और बहुत ही दुखद है, बहुत दुखद घटना है ये। और इमरान खान ने जिस तरह से रिएक्ट किया है वो काफ़ी संतोष दिलाता है कि किस तरह से बिना तैयारी के युद्ध में झोंक दिया गया। कल से इन्होंने खबर चलाई कि हमने वहाँ बम गिराया है, एक आदमी के मरने की तस्वीर नहीं आई, हमारा जहाज़ मिसिंग है, हमारा फाइटर पायलट जो है वो उनके गिरफ्त में है और हमारी सरकार इस बात को मानने के लिए भी तैयार नहीं है। तो ये बहुत ही खतरनाक संकेत है और तमाम लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि हमें लड़ाई से बचना चाहिए। तो मैं कुछ और जो इम्पोर्टेंट है ना, जो इम्पोर्टेंट लोगों ने बात की है वो आपको बताना चाहता हूँ कि लोग कैसे सोच रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं और बिना तैयारी के क्या जल्दबाजी में सारे फैसले, मोदी जी को सारे फैसले उल्टे पड़ रहे हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। तो लगातार मैं बार बार जो कह रहा हूँ किस तरह से लोग रिएक्ट कर रहे हैं और लगातार मैं आपको कह रहा हूँ वो कि अभिनंदन को लेकर पूरा देश गुस्से में है। और दो चार वीडियो जो मैं बताऊंगा उसका सरकार बहुत शर्मनाक तरीके से रिएक्ट कर रही है। सरकार कह रही है कि वो हमारा एक पायलट मिसिंग है, हमें कुछ नहीं पता है। क्रिस मालवीय लिखते हैं, अब हमें और मुक्तापूर्व बातें नहीं करनी चाहिए और इमरान खान की बात पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए। आधे घंटे पहले दिए अपने बयान में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं आपको कल से पैदा स्थिति को लेकर भरोसे में लेना चाहता हूं। हमने भारत को पेशकश किया है कि हम पुलवामा हमले की जांच को लेकर उन्हें किसी भी तरह का सहयोग देने को तैयार हैं। मैं उनके परिवारों के दुख को समझ सकता हूं। पाकिस्तान को भी अतीत में कैजुअल्टी सहनी पड़ी है, इसलिए हमने भारत को सहयोग की पेशकश की। आगे वो कहते हैं कि मैं फिर आपको बातचीत के लिए न्योता देता हूं। मुझे फिर कहने दीजिए कि समझदारी को मौका दिया जाना चाहिए, हमें अपनी समस्याओं को बातचीत के जरिए सुलझाना चाहिए। दो परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बीच बातचीत से ही मसले का हल निकलेगा, सही कदम होगा। और मोदी सरकार में जरा सी भी अकल बाकी हो तो इन उन्मादी न्यूज चैनलों पर तुरंत रोक लगाए। विंग कमांडर अभिनंदन की सुरक्षित वापसी हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। टेलीविजन चैनल ने जो देश में उन्माद भरा है, जिसको लेकर हम लोग लगातार बात कर रहे थे, किस तरह से ये लोग हिंदी चैनल अखबार मोदी के लिए प्रचार करने के चक्कर में उन्होंने देश को, माफ कीजिएगा, बहुत उदास हूँ, दुखी हूँ। अभिनंदन की जिस तरह की तस्वीरें उनकी सामने आ रही है उसके बाद बहुत निराशा है। बिना तैयारी के, मैं फिर कह रहा हूँ, इनका नोटबंदी बिना तैयारी के था, इनका GST बिना तैयारी के था, इनका हर काम बिना तैयारी के होता है और ये आप लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। इन्होंने बिना तैयारी के हमारे जवान को गिरफ्तार करवा दिया और इन्होंने क्या नुकसान किया वो अब तक पता नहीं चल रहा है। इंदर लिखते हैं, वायुसेना के पकड़े गए पायलट का वीडियो देखा, बहुत पीटा होगा उसे, तब से ही बहुत मन दुखी है, रोना आ रहा है, जैसे मेरा अपना भाई हो। उनका कोई सैनिक यहाँ पकड़ा जाता है तो उसके साथ भी यही सुलूक होता है, युद्ध सिर्फ बर्बादी लाता है, सिर्फ बर्बादी। उधर के सैनिक भी मरते हैं, हमारे सैनिक भी मरते हैं, उनकी पत्नियाँ विधवा होती हैं, बच्चे अनाथ होते हैं, माँ बाप की बुढ़ापे की लाठी टूट जाती है, परिवार नष्ट हो जाता है, नेताओं को वोट मिलते हैं, भक्तों को मजा आता है। इस युद्धोन्माद की वजह से पता नहीं कब दोनों देशों के लोग अपनी सरकारों से मांग करेंगे कि भूखमरी गरीबी से जंग छेड़ी जाए। पता नहीं कब भूखे बच्चों को खाना मिलेगा। सरकार से प्रार्थना कीजिए कि जल्द इस पायलट को वापस लाने की कोशिश करे और पाकिस्तान से बातचीत को आगे बढ़ाए। युद्ध एक समस्या है, समाधान नहीं, काव्य आहूजा ने लिखा है। तो मैं लगातार कुछ और भी बातें करूंगा। फिरवांशु लिखते हैं, भारत सरकार को बालकोट अटैक का वीडियो तस्वीरें जारी करनी चाहिए और ऐसी मांग करने वालों का सम्मान करना चाहिए। बालकोट पर अगर सरकार वीडियो तस्वीरें जारी नहीं करती है तो दुनिया भर में भारत के पहुंच को झूठा करार दिया जाएगा। वजह साफ है, अंतर्राष्ट्रीय जगत के सामने दो दावे हैं। पाकिस्तान ने कहा कि भारत के हमले को में कोई नहीं मारा गया। अल जजीरा ने स्पॉट रिपोर्टिंग कर दी, एक घायल व्यक्ति के अलावा कोई नहीं मिला। BBC ने भारतीय दावे को झुठला दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने सवाल उठाए हैं, पाकिस्तान ने जो दावा किया उसका सबूत वो दुनिया के सामने लेकर आया, उसने क्रैश एयरक्राफ्ट के अलावा गिरफ्तार पायलट को मीडिया के सामने पेश किया। भारतीय टीवी मीडिया को युद्ध रिपोर्टिंग का ABC या तो नहीं पता या फिर उन्माद में कुछ सीखना नहीं चाहता। पत्रकार पक्ष बन जा रहा है, भारतीय बनकर भावनात्मक उबाल लाने की कोशिश हो रही है। मेरी नज़र में एक भी क्रिटिकल रिपोर्टिंग भारतीय मीडिया में नहीं है।
पत्रकार पर देशभक्ति साबित करने का जबरदस्त दबाव बन गया है। इस चक्कर में लोग सवालों से मुंह मोड़ने लगे हैं। मैं लगातार आप लोग को कह रहा हूं कि मैं किसी तरह के युद्ध के पक्ष में नहीं था, और मैं कह रहा था कि ये सरकार, ये इस देश की जो सरकार चल रही है, उसके सारे फैसले भाभावेश में लिए जा रहे हैं। और एक आदमी जिसको किसी भी पॉलिसी से मतलब नहीं है, ही इज टोटली सक्सेस ऑन द फॉरेन, सक्सेस ऑन द इकोनॉमिकल पॉलिसी, इज टोटली सक्सेस ऑन द बायलेटरल पॉलिसी। जो आदमी एक द्विपक्षीय रिश्ते नहीं बना पाया है, और मुझे अब साफ साफ लोग लिखने लगे हैं कि सब चुनाव प्रचार के बहाने सब हो जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ चुनाव जितना इनका मकसद है। 2016 के कथित सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत जिसने मांगा, उन सबको देशद्रोही का कंट्रोल किया गया। परस्पर विरोधी दावों पर पत्रकार सबूत न मांगे तो क्या करे। कल विजय गोखले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ इतना कहा कि बड़ी संख्या में आतंकवादी मारे गए। भारतीय मीडिया ने इस बड़ी संख्या को अपनी सुविधा के मुताबिक 200 से 600 तक लिख दिया। बालकोट पर सरकार तत्काल दुनिया को सबूत दे ताकि भारत की छवि सच बोलने वाले देश की बन सके, वरना तमाम विशालता के बावजूद दुनिया का मीडिया भारत को शक से देख रहा है। इसलिए सबूत मांगने वाले को सम्मान होना चाहिए कि इतने प्रतिकूल माहौल में वो कम से कम तथ्यों को लेकर सचेत हैं। ये लगातार जिस तरह से रविंद्र कुमार लिखते हैं, तुमने एक F-16 मार गिराया, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं। तुमने 350 आतंकियों को मारा, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं। उसने हमारा एक एयरक्राफ्ट मार गिराया और पायलट को पकड़ लिया, जिसका सबूत वो दिखा रहा है। अब तुम बता रहे हो कि मेरा एक पायलट मिसिंग है। सवाल सीधा है, फिर बिना तैयारी के देश को जंग में क्यों भेज रहे हो? लाखों करोड़ डिफेंस पर खर्च करने का क्या मतलब बनता है? तुम कहते हो पाकिस्तान भिखारी है, फिर भी तुम उस भिखारी से अपने देश को सुरक्षा नहीं दे पा रहे। फिर तुम्हारी तैयारी का क्या मतलब? सिर्फ वोट पाने के लिए जंग पर उतारू हो, वो भी बिना किसी तैयारी के। जयप्रकाश चक्रवर्ती ने लिखा है। लोग लगातार पोस्ट लिख रहे हैं, वो बात कर रहे हैं। जितेंद्र नारायण ने बहुत शानदार, मैं फिर कह रहा हूँ, हम लोग सवाल उठा रहे हैं, हम लोग देश के साथ हैं, सीमा के साथ हैं, लेकिन आप राजनीति को समझिए। आपके बच्चों को मारा जा रहा है, आपके अधिकार छीने जा रहा है, आपका देश बर्बाद करने की कोशिश है, और सिर्फ वोट के लिए देश को जंग में डालना समस्या। जितेंद्र कुमार जी लिखते हैं, पाकिस्तान लगातार कह रहा है कि उसके कब्जे में भारतीय वायुसेना के दो पायलट हैं। हमारा एक हेलीकॉप्टर पाकिस्तान ने मार गिराया। विंग कमांडर अभिनंदन की तस्वीरें और वीडियो वायरल हो चुकी है, लेकिन भारतीय वायुसेना और सरकार ने अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी की स्थिति नहीं की है। मेरा स्पष्ट मानना है कि किसी जंग किसी समस्या का समाधान नहीं है। हमें किसी भी कीमत पर विंग कमांडर अभिनंदन सकुशल अपने देश में चाहिए, क्योंकि वह किसी का बेटा है, किसी का पति है, किसी का बाप है। हमें किसी भी परिस्थिति में युद्ध और घृणा फैलाने वाला बयान नहीं चाहिए। चुनाव जीतने के लिए जवानों की कुर्बानी बंद कीजिए। मालिक अपने देश को छत बिछत कर दिया है। ये जितेंद्र कुमार सिंह लिख रहे हैं, लगातार लोग लिख रहे हैं। अमित कुमार सैफई ने लिखा है, दो वीडियो है विंग कमांडर अभिनंदन, जिससे पहले उन्हें हिरासत में लेने के बाद पाकिस्तान ने उन्हें कितनी बदसलूकी के साथ, दूसरा जिसमें वो अपना परिचय दे रहे हैं। भारत सरकार को हर हाल में वापस लाना होगा, फिर चाहे बातचीत से हो। और ये लगातार सोशल मीडिया पर लोग जो हैं वो उनको काउंटर कर रहे हैं, और सोचिए कि किस तरह के हालात पैदा कर दिए गए हैं। बिना तैयारी के ये लोग जंग में चले गए हैं, कितना कितना डरावना है ये सब। और बालाजीपुर निवासी मथुरा एयरफोर्स कर्मी श्री पंकज नौहावर देश के लिए शहीद, ये देखिए ये शख्स शहीद हो गए हैं। और बड़ी खबर यह है कि भारत पाकिस्तान युद्ध में छिड़ गया है। उससे भी बड़ी खबर यह है कि माहौल में देश के प्रधानमंत्री ने एक रैली को संबोधित कर लिया है। नरेंद्र मोदी को लेकर आलोचना हो रही है, उन्होंने लगातार जो है वो रैली को संबोधित कर रहे हैं। आज उन्होंने अभी बहुत कुछ और समझने की जरूरत है, बहुत हो चुका ढिंढोरा, सेना के कंधे पर बैठ राजनीति बंद करे सत्ताधारी पार्टी। आर्मी ने दी भाजपा को चेतावनी, ये देखिए एक पोस्ट है, ये पोस्ट कब का है, ये 10:19 AM में आज लिखा गया है। और इसको लेकर आप भूल गए शायद कि आज ही के दिन 17 साल पहले किसी व्यक्ति ने एक राज्य का चुनाव जीतने के लिए देश का सबसे शर्मनाक नरसंहार अंजाम दिया था। आज ही के दिन गोधरा कांड हुआ था, और वो भी पॉलिटिकल मोटिवेटेड था। दुखद, पायलट अभिनंदन को पाक ने किया लहूलुहान। जिस तरह से लोग को अब साफ साफ लगने लगा है, वीडियो से पता चला कि विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान अभी सही हाल में है, और लगातार जो है जिस तरह से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, वो डराने वाला है। और उनको लगातार जो है वो भारत सरकार उसे अपना मानने से इनकार कर रही है, वो शर्मनाक है। सोशल मीडिया ने, भारतीय मीडिया एक बार फिर बेनकाब एयरफोर्स स्ट्राइक का दिखाया 3 साल पुराना वीडियो। तो लोग लगा रैली के बाद कर लियो, पहले पायलट को वापस ला। सुजा सैयद भी कांग्रेस बीजेपी का मोहरा हो सकता है, असली ईवीएम विरोधी लड़ाई लड़ने वाले कमजोर करने का। और लगातार बहुजन समाज के लोग, SC ST तमाम देश भर के लोग लिख रहे हैं कि किस तरह से, ये देखिए लगातार वीडियो सामने आ रहा है किस तरह से बदसलूकी हुई है जवान के साथ।
और भारत सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। जब सिकुलर लिब्रांडो पाकिस्तान में कैद विंग कमांडर भाई अभिनंदन की दुआ मांग रहे थे, तब देश संघी भक्त संघी खेलो इंडिया ऐप लॉन्च हो रहा था। तो देखिए, ये सलाम उस मीडिया को भी जो रात के अंधेरे में पाकिस्तान में घुसकर भारी गोलीबारी के बीच जान जोखिम में डालकर 300 लाश से गिन लाए। लोग मजाक उड़ा रहे हैं, भारतीय मीडिया का पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। और इमरान इंडिया को तबाह करना है, जनरल सर परमाणु बम गिरा दे इमरान, अभी बम की जरूरत क्या है, ऐसे कुछ करो कि मोदी फिर जीत जाए। तो ये लोग मजाक कर रहे हैं लगातार, और लोग लिख रहे हैं उस तरह से जिस तरह से लगातार मैं कह रहा हूँ कि देश की जनता का दिमाग पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार करके ईवीएम फ्रॉड लोगों के दिमाग से निकालना मकसद हो सकता है। तो लगातार लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और सरकार पूरी तरह से फेल है। मैं कुछ और लोगों के रिएक्शंस के बाद अपनी कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि देखिए किस तरह से सेना पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखिए पोस्टर बैनर लगे हैं बीजेपी के, उस वीडियो को मत फैलाओ, उसके परिवार और दोस्तों पर क्या बीत रही होगी, शीतल पी सिंह लिखते हैं। तो उनका एक वीडियो आया गया है जिसको लोग लगातार पोस्ट कर रहे हैं। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि किस तरह से हालात तेजी से खराब होते जा रहे हैं, और आपको समझना कहेगा पाकिस्तान ने पहले कहा था कि दो भारतीय पायलट उसके कब्जे में, अब उसका कहना है कि सिर्फ एक ही पायलट अभिनंदन उसके पास है। इतने भरे तनाव के बीच कल अमित शाह ने गाजीपुर में चुनावी रैली की, बीजेपी का हर नेता कल कमल ज्योति यात्रा में व्यस्त था, नरेंद्र मोदी कल मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम कर रहे हैं, इसके लिए क्या बड़ा है। तो बीजेपी का चुनाव प्रचार लगातार जारी है, यूथ छोड़ी उनको वापस लाने का प्रयास शुरू करो, 5 लाख रुपये महीना कमाने वाले एंकर एक बार विंग कमांडर अभिनंदन की जगह खुद को रख कर देखें। और ये तस्वीरें लोग शेयर कर रहे हैं लगातार, देश भर में गुस्सा है और लोग को लग रहा है कि बिना तैयारी के सब हो रहा है। आपको कमांडर अभिनंदन की चिंता है, देश की चिंता, एक कमांडर उनके गिरफ्त में है और बिना तैयारी के सब हो रहा है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और लोगों को अब लगने लगा है कि देश को युद्ध में धकेल दिया गया है, और वो भी बिना तैयारी के। जंग के बाद कितने शहर कितने प्यारे लगते होंगे ना, तो लोग अब लगातार जो है वो जंग की, हमारी सेना न कभी कमजोर थी और ना है, मगर हमारा चौकीदार चोर था, चोर है और चोर रहेगा, रविंद्र कुमार सिंह। मीडिया की भूमिका सबसे बेकार है इसमें, और मीडिया ने जिस तरह से लोगों के दिमाग में उन्माद भरा है वो चिंताजनक है। लोग सवाल पूछने लगे हैं कि आखिर ये उन्माद कब तक चलेगा, क्यों है ये सब उन्माद। और जिस तरह से लगातार अभिनंदन को लेकर देश भर में लहर है, सरकार कटघरे में है, और कल तक जो लोग लिहाज कर रहे थे अब उन्होंने साफ साफ बोलना शुरू कर दिया कि मोदी जी ने, इस देश के प्रधानमंत्री ने चुनावी रणनीति के तहत फर्जी तरीके से बिना तैयारी के देश को युद्ध में धकेल दिया। अब लगभग सारे भारतीय चैनल मीडिया मंचों ने मान लिया है कि हमारे विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान पाकिस्तान के कब्जे में है। वरिष्ठ पत्रकार मनु पब्बी के ट्वीट के नीचे कतार में कमेंट से हमारी सरकार की घोषणा जरूर बाकी है, मर्दाना और सरदाना ने भी चैनल पर यह खबर पढ़ दी, और मेंढके ने भी। तो लगातार जिस तरह से मीडिया को लेकर लोग काफ़ी गुस्से में हैं कि मीडिया ने जिस तरह से लोगों को उन्माद भरा है, उसके लिए कहीं ना कहीं मीडिया दोषी है। तो मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं, आंखें आंख के बदले आंख बात की बात है, मुख्य मुद्दा यह है कि संविधान सुधार नहीं जाते तो सीआरपीएफ सेना का काम क्यों दिया जाता है। तमाम तरह के लोग सवाल उठा रहे हैं, और देखिए कि लोग जो हैं धूल चटा दूँ उन गिद्धों को जो घर में घुसकर घात करें, जीव काटो उन कुत्तों को जो हिंदू मुस्लिम की बात करें। और लगातार लोग जो हैं देखिए, ये देखिए लगातार लोग लिख रहे हैं, बात कर रहे हैं, और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि लगातार लोग पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक हमारे जवान शहीद होते रहेंगे। तो ये बड़ा सवाल उठ रहा है, और एयरफोर्स का हमारा जवान गिरफ्तार है, और मोदी जी पर की पूरी विश्वसनीयता अब संकट में है। आज वो जिस तरह से ऐप का लॉन्च कर रहे थे उससे और उनकी संकट घराने वाली है। तो अपने ही सरकार की आलोचना हो रही है और जम की आलोचना हो रही है, लोगों को लगता है कि बिना तैयारी हम लोग युद्ध में चले गए हैं, और लोग काफ़ी नाराज हैं, यंगर हैं। अभिनंदन को जिस तरह से उन्होंने पकड़ा है उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा, क्यों बिना तैयारी की इस तरह की हरकतें की जा रही है। और सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा टेलीविज़न वालों के खिलाफ गुस्सा है, अखबार वालों के खिलाफ गुस्सा है, और मैं फिर कह रहा हूँ ये जो जातिवादी मनुवादी मीडिया है इसको दो पैसे की समझ नहीं है, बेईमान लोग हैं, इनको बायलेटरल टॉक की समझ नहीं है, युद्ध की रिपोर्टिंग की समझ नहीं है,
और इनके चपेट में आप रहेंगे ना तो ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, इसलिए सावधान रहिए। इनके दिमाग में कचरा भरा है, दिन भर अंगूठी भेजता है, जो चैनल दिन भर अंगूठी भेजता है उसको कहिए कि युद्ध विमान से लड़ा जाता है, अंगूठी से नहीं। अंधविश्वास फैलाते हैं ये, झूठ फैलाते हैं और ये फर्जी लोग हैं, और सबसे बड़ी बात है कि ये चाटुकार लोग हैं, देश को सही बात नहीं बताकर गुमराह किया जा रहा है, ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं और सरकार के दबाव में है ये। इसलिए मैं कह रहा हूँ इन पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिए और युद्ध का विरोध कीजिए। युद्ध किसी भी समय में, पाकिस्तान भी कल के बाद हमारी बात नहीं मानेगा। दो दिन के जिस तरह से कार्रवाई, उसमें हम बैकफुट पर हैं, हमारे फाइटर पायलट को पकड़ लिया गया, हमारा विमान क्रैश हो गया है, और यहाँ नरेंद्र मोदी जो है वो चुनाव प्रचार और ऐप में ऐप ढूंढ रहे हैं। पूरे देश की सिंपथी है, पूरा देश उनके साथ है, और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको सुरक्षित वापस लाए, और युद्ध बंद होना चाहिए। इन्होंने युद्ध में देश को धकेल दिया है बिना तैयारी के, और अब सब लोग बात करने लगे हैं कि सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने की पॉलिसी है। शुक्रिया आप सब लोगों का, और बहुत बुरा वक्त है, दुखी हूँ, और हमें अभी देश भर के लोग एकजुट रहें, आपसी मतभेद को भुलाएं और इस सरकार पर दबाव डालें। जिस तरह से इमरान खान का बयान आया है, हमें युद्ध नहीं चाहिए, हमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन चाहिए कि पुलवामा में क्या हुआ, और उसके स्ट्रैटेजी बना के, इंटरनेशनल रिलेशनशिप बना के, तमाम चीज़ें करके आतंकवाद से लड़ा जाना चाहिए। आतंकवाद कैसे खत्म होगा इस पर बात करनी चाहिए, और अब तो बहुत हालत मुश्किल हो गई है। पूरा देश मान रहा है कि इस देश के प्रधानमंत्री लगातार गलतियां कर रहे हैं। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सकें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।